रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन सा चाचा थे जिन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की, लेकिन खिदमत करने के बावजूद भी उन्होंने फिर उन पर ईमान नहीं लाया। ठीक है, जब हम अजान में हय्या अलस्सलाह पढ़ते हैं तो उसका मायने क्या है? अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम आए हैं अपने कॉलेज में और यहाँ पे देखते हैं कि आज कैमरे में कौन कैच होगा। और एज़ यूजुअल हम उनसे भी दो से तीन क्वेश्चंस पूछेंगे और अगर उन्होंने उनका सही आंसर दिया तो डेफिनेटली हम उनको अपनी तरफ से एक रिवार्ड देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत कुछ इस्लाम के बारे में देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ इस्लाम के बारे में देखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? मेरा नाम शाकिर है। माशाल्लाह भाई, आपके पास थोड़ा सा टाइम है? हाँ बिल्कुल है। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो मोटिव है ना, वो है आज की जनरेशन में इस्लाम को स्प्रेड करना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो हम आपको इस्लाम के बारे में कुछ इस्लामी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो अगर आपने उनका सही आंसर दिया तो हम आपको अपने तरफ से एक रिवार्ड देंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम एज ब्रदर्स बात करेंगे, एज फ्रेंडली बात करेंगे आप। ठीक है? हाँ सही बात। ओके, सो पहला क्वेश्चन रहेगा, बता दीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन सा चाचा थे जिन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की, लेकिन खिदमत करने के बावजूद भी उन्होंने फिर उन पर ईमान नहीं लाया? अबू तालिब। अबू तालिब, सही हो रही आप? हाँ बिल्कुल। आपने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। आपसे और एक क्वेश्चन, बता दीजिए कि जब हम फजर में अस्सलातु खैर मिना नौम पढ़ते हैं तो उसका मायने क्या है? उसका मायने है आओ नमाज पढ़ने के लिए, नींद से बेहतर नमाज है। नींद से बेहतर नमाज है, बिल्कुल माशाल्लाह सही जवाब। आपसे और एक क्वेश्चन रहेगा, अगर आपने इसका भी सही आंसर दिया तो डेफिनेटली हम आपको अपनी तरफ से एक रिवार्ड देंगे। ठीक है, तो बता दीजिए कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से साहबजादे थे, ठीक है, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा खुद पढ़ी थी? क्वेश्चन रिपीट करिए। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, बता दीजिए कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से साहबजादे थे। ठीक है, साहबजादे समझते आप, लड़के जिनकी उन्होंने खुद नमाज जनाजा पढ़ी थी, जिन्होंने खुद नमाज जनाजा पढ़ी थी। आइडिया नहीं आ रहा है। कोई आइडिया? ना बिल्कुल नहीं, नहीं पता। वो हज़रत इब्राहिम रिदिल्लाहु तआला अन्हु। ठीक है, अच्छा बता दीजिए कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, अगर आपने इसका भी सही आंसर दिया तो डेफिनेटली आपको एक रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जब हम अजान में हय्या अलस्सलाह पढ़ते हैं तो उसका मायने क्या है? आओ नमाज पढ़ने के लिए। आओ नमाज पढ़ने के लिए, बिल्कुल माशाल्लाह सही जवाब। एंड कॉन्ग्रेट्स, आपने बिल्कुल इसका सही आंसर दिया और हम सब दिया, एंड हम आपको अपनी तरफ से एक रिवार्ड देंगे। ओके, बिल्कुल, थैंक यू। ओके थैंक यू। तो ये लीजिए हमारे तरफ से एक रिवार्ड। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस्लाम के बारे में पढ़ना, ठीक है, और कोशिश करना पढ़ने की, क्योंकि आपको ये पढ़कर, एक बुक पढ़कर आपको इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये था और एक एपिसोड, और इस एपिसोड में हमने इनसे इस्लाम के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, एंड कॉन्ग्रेट्स इनके लिए कि इन्होंने उनका सही आंसर दिया और इन्होंने एक गिफ्ट भी जीता। तो ऐसे ही एपिसोड्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ इस्लाम के बारे में जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, और मुसलमान तो दुनिया में इसीलिए भी आए भी हैं ताकि वो इस्लाम की खिदमत करें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें। सो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त कैमरामैन सिमी के साथ, अल्लाह हाफिज़।